जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या विषय है जो आप रखेंगे? सर, मैं जो हिमाचल पथ पर निगम द्वारा अभी हाल ही में 7/3/2024 को टेम्पो ट्रैवलर जो एरो कनेक्ट एयरपोर्ट के लिए चलाई गई है, उसके बारे में स्थानीय जनता को बताना चाहता हूँ। और इस एरो कनेक्ट टेम्पो ट्रैवलर सर्विस का शुभारम्भ माननीय उप मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार श्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा स्थानीय लोकल बस स्टैंड से 7/3/2024 को किया गया है, तथा उस दिन से यह टेम्पो ट्रैवलर जो एरो कनेक्ट सर्विस दिन में हमारे एयरपोर्ट के लिए दो चक्कर लगा रही है, जिसमें कि पहला चक्कर ओल्ड बस स्टैंड से 6:30 बजे सुबह चलकर 45 मिनट में 7:45 बजे एयरपोर्ट पहुँच जाती है। उसके बाद एयरपोर्ट से 8:30 चलकर 9:15 बजे ओल्ड बस स्टैंड पहुँचती है। दूसरे चक्कर के लिए यह हमारी एरो कनेक्ट टेम्पो ट्रैवलर 9:30 चलकर 10:15 एयरपोर्ट पहुँचती है, तथा उसके बाद अमृतसर और धर्मशाला वाले फ्लाइट्स का टाइम को देखते हुए वहाँ से कभी 10:30 कभी 11 बजे चलकर 45 मिनट में 12:15 बजे ओल्ड बस स्टैंड पहुँच जाती है। तो ये जो हमारी एरो कनेक्ट टेम्पो सर्विस है, ये ओल्ड बस स्टैंड से चलकर बालूगंज और टूटू शिवनगर होते हुए एयरपोर्ट जो 22 किलोमीटर की दूरी है उसको 40 से 45 मिनट पे नॉन स्टॉप चलकर तय करती है। तो अभी तक जैसे सभी लोगों को पता है कि हमारे जो शिमला जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट है, इसमें 3 फ्लाइट्स लगातार आ रही हैं, जिसमें से दिल्ली शिमला फ्लाइट्स 8:20 पे पहुँचती है, दूसरी फ्लाइट्स अमृतसर शिमला 10:10 पे, तथा तीसरी फ्लाइट्स धर्मशाला शिमला 11:10 पे पहुँचती है। तो इस एरो कनेक्ट सेवा से लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। जब इस सवेरे यहाँ से जाती है तो इसमें थोड़े पैसेंजर कम होते हैं, परंतु जब ये एयरपोर्ट से शिमला के लिए आती है तो हमारे इसमें अब पैसेंजर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे पिछले कल की बात बताऊँ तो पहले ही जो चक्कर था इसमें हमारे 5 पैसेंजर ने ट्रैवल किया और दूसरे में 12 पैसेंजर ने शिमला ओल्ड बस स्टैंड के लिए ट्रैवल किया। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय जनता से यही अपील है कि इस जो हिमाचल सरकार तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा ये नई पहल की गई है एयर कनेक्टिविटी सर्विस देने के लिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। कैशलेस का सर अभी ट्रायल किया है इसका, जिसे ट्रायल करके जो माननीय उप मुख्यमंत्री ने 7 तारीख को किया है, अभी इसको जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर हम शिमला तथा वाल्वो शैल में चालू करने वाले हैं।